वहीं भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के निवास पर डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिली। देर रात तक बैठक के बाद डिनर पर निकाय की रणनीति बनी। कांग्रेस में आज महापौर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। वहीं ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो यहां प्रत्याशी को लेकर पिंच फंसा हुआ है। 12 निगमों को लेकर सहमति बन चुकी है, 4 पर आज अंतिम निर्णय होना है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस दौरान मौजूद रहे। कल पहले एक बैठक हुई, उसके बाद डिनर पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। वहीं आज की अगर हम बात करें, एक बड़ी बैठक कांग्रेस की आज होनी है जिसमें महापौर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिली, काफी मंथन हुआ, आज लगभग माना जा रहा है कि महापौर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी और ऐलान भी हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, लगभग तय हो गया है कांग्रेस के भीतर तो, और कांग्रेस इसमें बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यह है कि पूरे ही चुनाव में यदि हम देखें, नगरीय निकाय चुनाव में, तो अब केंद्र में दिग्विजय सिंह जी नजर आ रहे हैं। कल भी उनके यहाँ देर रात तक बैठक चली, लगातार बंसल न्यूज उस पर बना रहा, लेकिन जो डिनर डिप्लोमेसी हुई, डिनर पर जो चर्चा हुई है, उसमें कुछ नामों पर जरूर सहमति नहीं बन पा रही है। तो आज इसीलिए कमलनाथ बैठना है, पहले से तय था 9 तारीख को बैठक होना है। तो उस बैठक में तमाम तरह की चीजें, 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी असमंजस बना है। रीवा की बात कर ले या फिर चंबल, ग्वालियर में खासकर ग्वालियर मुरैना को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि वहां दावेदार एक की जगह दो दो तीन तीन आ गए। बात यही कही जा रही कि जो विधायक है वहां के, उनके परिवार को लोगों को लड़ाया जाए, चाहे सतीश टिकरवार की पत्नी हो या फिर अबोध से जो विधायक है उनकी पत्नी की बात करें। लेकिन कुछ और भी लोग बीच में आने से थोड़ी वहां की स्थितियां जरूर बिगड़ी, चंबल ग्वालियर को लेकर। और चंबल ग्वालियर पर सबसे ज्यादा नजर भी है कांग्रेस की, क्योंकि ये वही गढ़ है जहां से कांग्रेस ये चाहती कि 2023 में बढ़त ले ली जाए। तो आज की बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन कल जो डिनर हुआ है दिग्विजय सिंह जी के यहाँ बैठक के बाद, उस डिनर पर 2023 तक की चर्चा हुई है। और इसीलिए एक एक महापौर का प्रत्याशी, चाहे वो पूर्व विधायक हो, विधायक के परिवार का व्यक्ति हो, खुद विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिए 4 से ज्यादा तो विधायक ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं महापौर का, तो एक बड़ा दबाव बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस, और उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही। आज सभी जो 16 चेहरे हैं वो साफ हो जाएंगे, उन पर मोहर लग जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही काफी फोकस्ड और एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कल जो डिनर हुआ है, उसमें जो मंथन हुआ है, उसके बाद तैयारी 2023 तक की गई है। और जिस तरह से मनोज जी ने जिक्र किया है, काफी दबाव है कुछ क्षेत्रों में जहां पर एक से ज्यादा प्रत्याशी मौजूद है। ऐसे में आज नामों का ऐलान हो जाएगा, लगभग कई जिलों में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी।